तो रिप्लेस होगा, कोई रिप्लेस नहीं होगा भाई, प्लेइंग फोर एकदम फिक्स है और यही खेलने वाले हम आने वाले कुछ नेक्स्ट इवेंट्स में भी यही प्लेइंग फोर रहेगा। तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो कि कोई चेंजेस होने वाला है या कोई बंदा अर्ली मर गया 3-4 गेम में तो रिप्लेस हो जाएगा, या कोई बंदा नॉक्स ज़्यादा ले रहा है तो रिप्लेस होगा नहीं। पहले फिक्स करने का ट्राई करते हैं चीज़ें और थोड़ा टाइम देना चाहिए 3-4 महीने का एटलीस्ट। तुम जरूर रिप्लेस हो जाओगे जो अगर ये लिखोगे तो चैट से। बाकी मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है, सारे बंदे जितना ही एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है वो दे रहे हैं, जिसका जो रोल है वो प्रॉपर खेल रहा है, तो यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट वाला सीन नहीं है गाइस। भाई चैट हेक्टर को बहुत डीमोटिवेट कर रहा है, वो बंदा डीमोटिवेट नहीं होता है रे, वो तुम लोग को लगता है उसकी शक्ल से, चिल बंदा है। अगर टीम का जमरा हो तो फिर क्यों एक्सपेरिमेंट करना, फोकस करो फिक्स करने की चीज़ों को। अभी आप एक गेम या फिर कुछ भी देख के, आपके पता नहीं आपके पर्सपेक्टिव से देख के आप हेक्टर को बोल देते हो, लेकिन हमारे लिए वो पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग ना POV प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ पता नहीं है बैकग्राउंड में क्या हो रहा है यहाँ पे। हेक्टर जो रोल करता है टीम में वो हम बताएंगे नहीं, लेकिन ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं पूरे सबके हिसाब से यहाँ से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है।